सो हे गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत कब से GoPro 9 लेने का प्लान कर रहा था, क्योंकि अभी व्लॉगिंग पर्पज़ से मुझे एक कैमरा लेना था। मेरे पास ऑलरेडी एक GoPro 8 है, बट वो मैं मोटो व्लॉगिंग के लिए रखने वाला हूँ अभी। और व्लॉगिंग पर्पज़ इसके लिए लिया क्योंकि मैं हर जगह DSLR कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है हाथ में सब। तो फाइनली GoPro 9 इज़ हियर और मैंने उसका मीडिया मोड भी लिया है, तो आज दोनों का भी मैं प्रीव्यू कर दूंगा। और GoPro 9 लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि उसमें 5K क्वालिटी है और फ्रंट डिस्प्ले है। तो मैं व्लॉगिंग के लिए फ्रंट डिस्प्ले में बहुत यूज़फुल होगा मेरे लिए, तो इसके लिए मैंने GoPro 9 ले लिया। तो चलो अभी उसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो बॉक्स को अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने एक केस आता है जो सिर्फ GoPro 9 को आता है, और अंदर ये रहा GoPro 9। बहुत ये साइज़ में बढ़ गया है अभी थोड़ा, पहले के GoPro से ये बड़ा लग रहा है थोड़ा भी। हाँ, इसको रखते साइड में। और अंदर आता है एक केबल, एक हेलमेट माउंट और ये स्क्रू और ये सब डॉक्यूमेंट, ये स्टिकर्स वगैरह। तो ये सब रखते साइड में अभी और GoPro स्टार्ट करते। क्या मस्त क्वालिटी है इसका। चलो अभी इसका है ना 5K देखते। सो अभी ये है 1080 पे, अभी इसे 5K पे करके देखते हैं। ये 2.7K पे 60 FPS, ये 4K पे 60 FPS और 5K पे 30 FPS। तो चलो 5K देखते हैं। क्या क्वालिटी दे रहा है यार, ऑसम एकदम। यही फ़ायदा 5K का, क्योंकि जूम इन वगैरह करेंगे ना तो फिर पिक्सल फटेंगे नहीं, एकदम क्लियर एज इट इज़ रहेगा। हाँ, वर्थ है ब्रो। चलो अभी GoPro मीडिया मोड अनबॉक्स करके देखते हैं और फिर कनेक्ट करने के बाद हम लोग वीडियो देखेंगे कैसे क्या आ रहे हैं, क्या चेंजेस है मीडिया मोड पे। तो ये है मीडिया मोड, इसमें भी सेम है, बस एक माउंट आ रहा है, एक स्क्रू आ रहा है और ये है मीडियम मोड। तो GoPro हमें इधर माउंट करना है, इधर अटैच होगा और ये इधर लग जाएगा। ये अटैच करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। चलो अभी इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या क्या डिफरेंस है मीडियम मोड की वजह से, साउंड क्वालिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये 5K 30 FPS पे कर रहा हूँ और व्यू मैंने वाइड रखा है, तो आप लोग पीछे का सब देख ही सकते हो। हाँ, क्लैरिटी तो इधर डिस्प्ले में दिख रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किधर हूँ, इसलिए ये बहुत इजी जा रहा है अभी ऑपरेट करने के लिए। और इसका ही तो पैसा है, इतना कॉस्टली इसलिए तो है क्योंकि ये आगे डिस्प्ले दे रहा है और 5K बस। अभी आप लोगों को मैं 4K का भी दिखाता हूँ, 2.7K का भी दिखाता हूँ और 1080 का भी दिखाता हूँ। तो चलो, तो अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ ये 4K 60 FPS से कर रहा हूँ और आप लोगों को शायद डिफरेंस अगर समझ रहा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को थोड़ा डिफरेंस तो दिख ही रहा है, क्योंकि 5K ऑब्वियसली है और 4K में भी डिफरेंस तो दिख रहा है। इसके बाद मैं थोड़े सिनेमेटिक शॉट डाल दूँगा, तो उसमें आप अच्छे से देख पाओगे कि इसमें कितना डिफरेंस है। तो ये था 4K 60 FPS।
अभी 2.7 के और 1080 भी देखते हैं। तो ये है 2.7 के 120 FPS, क्योंकि 4K में और 5K में तो इतना FPS नहीं मिलता, बट 2.7 के में 120 FPS तक मिलता है, तो स्लो मोशन के लिए अच्छी चीज़ है ये। और बस अभी एंडिंग का आपको दिखाता हूँ 1080 वाला, और फिर सिनेमेटिक्स देख लेंगे। सो अभी मैं शूट कर रहा हूँ 1080 60 FPS पे। ये वैसे ये 240 FPS तक हो सकता है, बट इतना स्लो हमें चाहिए ही नहीं, तो यही बेस्ट है हमारे लिए। और अभी मैं थोड़े फ़ोटो शूट करके डालूंगा, मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करके डालूंगा इससे, तो फ़ोटोज़ क्वालिटी भी आप देख लो ऐसा है क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फ़ोटो भी कैसे, वीडियो की क्वालिटी भी कैसी है। तो चलो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं अभी थोड़े। अभी मैं आप लोगों को थोड़े मोटो व्लॉगिंग के भी इसके सैंपल्स दिखा देता हूँ कि मोटो व्लॉगिंग में ये कैमरा किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो अभी आगे आप मोटो व्लॉगिंग के थोड़े वीडियोस देखो, और दैट्स इट, चलो। तो गाइज यही था GoPro 9 और उसके मीडिया मोड का पूरा रिव्यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ शहबाज साइनिंग ऑफ।